नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेन न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बन सोर्स एज वेल एज द एनर्जी सोर्स वी कैन क्लासीफाई देम और उसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे जानने की उनकी कैपेबिलिटीज को जानने की कोशिश करेंगे और फोटो ऑटोट्रॉप्स सबसे पहले बात करते हैं फोटोट्रॉप्स की इसमें लाइट एज एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है और कीमोट्रॉप्स में क्या होता है आपका केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं एज ए एनर्जी सोर्स तो यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब लाइट यूज़ होती है तो फोटो वर्ड यूज़ हो रहा है और कीमो के साथ में केमिकल्स तो so, इसको समझना बहुत ईजी हो जाता है नेक्स्ट यू हैव लीथो ट्रॉप्स अब लीथो की जब बात आती है लीथो मीन्स रॉक तो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की यहाँ पे बात हो रही है अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं तो हम उनको कैटेगराइज करेंगे लीथोट्रॉप लीथो ट्रॉप्स लीथो के कैटेगरी में देन यू हैव ऑर्गेनो ट्रॉप्स ऑर्गेनो ट्रॉप्स क्या होते हैं ये यूज़ करते हैं रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो ये भी समझना और याद रखना बहुत इजी है ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक एंड लिथो मींस इनऑर्गेनिक नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं इन कंबाइंड कैटेगरी जब इन जो कैटेगरीज को आप कंबाइन कर जाते हैं तो इनको फर्दर आप पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल टाइप्स जो कि है कार्बन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन दियर रिक्वायरमेंट फॉर कार्बन एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर आप इनको सब डिवाइड कर सकते हैं तो उसमें पहली कैटेगरी आ जाती है फोटो लिथो ऑटोट्रॉफी तो आप नाम से ही समझ सकते हैं जिसमें लाइट इनऑर्गेनिक और ऑटोट्रॉफ यूज हुआ है पिछले वीडियो में मैं ऑटोट्रॉफी के बारे में डिटेल में समझा चुका हूं तो यहां पर क्या हो रहा है लाइट एज एनर्जी सोर्स यूज हो रही है और कार्बन सोर्स के लिए CO2 टू एज ए सोल कार्बन सोर्स यूज हो रहा है इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक आ गया है। अब नेक्स्ट यहां पे बात आती है एग्जाम्पल की एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं आपके पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी के ऊपर सेकेंड कैटेगरी भी फोटो यानी लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड है तो इसको लिखेंगे वो फोटो ऑर्गेनो हिटरो ऑर्गेनो वर्ट ऐड हो गया और हिटरोट्रॉफी ऐड हो गया लेकिन फोटो सेम है सो दैट मीन इसके केस में क्या होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे राइट right? एनर्जी so के लिए आप ऑर्गेनिक एनर्जी के लिए आप फोटो यूज कर रहे हैं फिर कार्बन सोर्स एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किया जा सकता है इसके केस में एग्जाम्पल है ग्रीन एंड पर्पल नॉन सर्फर बैक्टीरिया तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है उम्मीद करूँगा आप याद रखेंगे इनको अब नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आती है कीमो ऑरगेनो हिटरो तो मैं अब लिख देता हूँ कीमो ऑरगेनो हिटरो मैं इनको थोड़ा सा ना स्पेस देके और डैश लगा के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके इन वर्ड्स को इस तरह से नहीं लिखा जाता इनको कंबाइंड लिखा जाता है लेकिन मैं इस डिवाइड करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए इसमें जो आप कार्बन सोर्स यूज कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही आप एनर्जी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं अब इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मैं बताऊंगा क्यों इसमें मोस्ट ऑफ द नॉन फोटो सिंथेटिक माइक्रोब्स या बैक्टीरिया आ जाते हैं और मेन कैटेगरी जो हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी में आते हैं तो आपको ये याद रखना है जो पैथोजेनिक वो कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफी की कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट चौथी कैटेगरी पे चलते हैं चौथी है 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 तो कीमो यूज़ यूज़ हो हो रहा रहा फिर हिट्रोट्रॉफी वर्ड यूज हो रहा है, है, है। जिसमें कार्बन सोर्स आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज होंगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो कार्बन सोर्स का मेंशन कर रहा हूँ कार्बन सोर्स आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके एज एनर्जी सोर्स यहां पे यूज होंगे अब इसमें एग्जाम्पल है सम ऑफ द सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कुछ एक जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं अब रहेगी हमारी फाइनल कैटेगरी जो कि की है कीमो लीथो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कीमो लीथो तो देखिए किस तरह से वर्ड टू वर्ड आप जो हैं इनको अगर पढ़ेंगे तो आपको इनका मीनिंग भी समझ आ जाएगा इसमें कार्बन सोर्स क्या यूज करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं वो एनर्जी सोर्स यूज होंगे तो एग्जांपल इसमें लेंगे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग मोस्ट ऑफ द सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनर्जन और भी बहुत अलग अलग एग्जांपल्स हैं मैं एक दो आपको बता रहा हूँ आपने आगे के जो या दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ सर्च करने हैं आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और इनको समझने की कोशिश करनी है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और इनके एग्ज़ाम्पल याद रखना भी मुश्किल होता है इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्स एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे भी पूछ सकते हैं और इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है यानी कीमो और कैनो क्या होता है तो आपको एग्ज़ाम्पल भी वहाँ पर दे सकते हैं तो ये था दोस्तों वीडियो जिसमें हमने मेन न्यूट्रिशनल टाइप्स के बारे में बात की हम हमने फोकस किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमने देखिए जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं डिस्कस किया हम, हमारे जो फोकस इस पर्टिकुलर सीरीज़ में रह रहा है वो माइक्रोबल न्यूट्रिशन के ऊपर रह रहा है हमने जाना फोटोट्रॉप्स कीमोट्रॉप्स लिथोट्रॉप्स ऑर्गेनोट्रॉप्स बहुत ईजी था उनको समझना लेकिन जब उनकी सब कैटेगरी होगी उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं आपकी मर्ज हो गया कॉम्बिनेशन जो है जिसमें कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स की बात साथ में हो रही है तो उनको किस तरह से डिवाइड किया हमने कहा फोटो ली तो ऑटो फिर हमने फोटो और कैनो हाइड्रोट्राफी देन वी डिस्कस्ड जब हमने आगे बात की कीमो और कैनो हाइड्रोट्रॉफी कीमो ली तो हिड्रोट्रॉफी और कीमो ली तो ऑटोट्रॉफी ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े और इनको समझने की कोशिश की कि क्या क्या इनके कार्बन सोर्स या एनर्जी सोर्स रहते हैं और साथ ही साथ हमने इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से सही इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हुई हैं अगर नहीं हुई हैं तो आप क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हैं और आप एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ सकते हैं बुक्स में ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेशली इन माइक्रोबायोलॉजी तो इनको ज़रूर आप क्लियर कीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ फिर से इसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बना सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलूंगे जहाँ पे इसी तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे उनको डिटेल में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों